हेलो गुड इवनिंग माय लवली लवली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। दिक्कत को अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और अभी बज चुका शाम के 7:30 और अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। क्योंकि मेरा टैमी बहुत बढ़ गया, मोटी हो गई, इसीलिए ग्रीन टी पी रही हूँ। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लिया और बहुत काम भी किया आज। अभी जाके ये ग्रीन टी पी रही हूँ, इसके बाद कुछ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसीलिए बने रहना वीडियो में और पूरा वीडियो को देखना। उस फ्लैट में कुछ प्रोग्राम है, इसीलिए इतना लाइट देके पूरा ये जो फ्लैट को सजाया, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। मेरा इतना ड्राई स्किन है ना, मैं डाब साबुन यूज किया फिर भी खिंचा खिंचा लग रहा है। मॉइस्चराइजर यूज नहीं किया अभी तक, करूंगी क्योंकि बहुत ढेर सारा मेकअप था, शूट कर रही थी, इसीलिए अच्छा नहीं लगता इतना गर्मी में ना एकदम से मेकअप वेकअप देके शूट करना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे दिया तुम मेकअप नहीं क्यों करती, तुम क्यों मेकअप नहीं करती, एकदम नेचुरल लुक्स में क्यों आती हो। तो इसीलिए थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप करके वीडियो बनाती हूँ और कुछ दिखाऊंगी। कुछ करना होगा फेस में, चलो कुछ कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से मैं कुछ नहीं किया अपने फेस के ऊपर। चलो इतना अच्छा लग रहा है ये फ्लैट, देखो देख रहे हो, शादी है क्या है इस फ्लैट में पता नहीं, कुछ तो है। चलो अभी जबकि थोड़ा कुछ कर दूंगी मैं अपने फेस पे, ठीक किया। ये देखो मैंने क्या क्या लेके आई हूँ, इसके अंदर है कॉफ़ी पाउडर और इसमें अभी मैं मिला रही हूँ ये लेमन, थोड़ा बहुत लेमन का जूस। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी हनी, बस ये देके मैं एक स्क्रब बना रही हूँ स्क्रब। अभी इसको स्क्रबिंग करूँगी, रख के धो डाल के फिर आती हूँ। थोड़ा बहुत ना पानी देना पड़ेगा, एकदम ड्राई है ना स्किन। देखो मैं थोड़ा बहुत पानी देके ऑयल कर लिया फेस को, क्योंकि इसमें जो है कॉफी ये देखो मैंने धोके एकदम से क्लीन कर लिया, एकदम से क्लीन हो गया। और अभी देखो ये है चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि जिन लोगों का ऑयली स्किन है उसके लिए मुल्तानी मिट्टी ठीक है, लेकिन मेरा स्किन ना ड्राई है तो इसीलिए मैं भी यूज़ करती हूँ मुल्तानी मिट्टी कभी कभार। तो अभी तो मैं ये चंदन पाउडर जो है इसको ही फेस पे लगाऊंगी। इसका मुल्तानी मिट्टी भी मैं यूज़ करती हूँ,
बहुत ढेर सारा इसमें ना है, इतना रुपया दिया था पता नहीं, आयुर का है ये दिया। सिक्सटी रुपीस ये चंदन फेस पैक और आयुर्वेद का बहुत ढेर सारा रहता है इसमें, और ज़्यादा तो नहीं लगता ना, एकदम से इतना सा ही लगता है पूरा फेस में। और इसके अंदर डालूँगी मैं गुलाब जल, हवा में उड़ रहा है, ऐसे ही डाल देते हैं। और मिलाऊंगी ये विटामिन ई की एक कैप्सूल। हमेशा मैं ना दांतों से इसको फोड़ती हूँ, क्योंकि कहाँ पर रखा हुआ है ये कैंची मुझे पता नहीं। और मिलाना पड़ेगा, और मिलाऊंगी एलोवेरा जेल। ये है पतंजलि का एलोवेरा जेल, बस हो गया। गुलाब जल देना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्क्रबिंग किया, इसीलिए पोर्स ओपन हो गया ना, तो मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो चलो अभी ये फेस पैक को लगा लेते हैं। बस देखो हो गई, अभी इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, बाद में वॉश करके फिर दिखाती हूँ, ओके। और ये चंदन में ना एक कूलिंग इफेक्ट देता है इसीलिए, और इसका स्मेल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम से खाली कर दिया देखो। अरे बालों पे लग जा रहा है, बस चलो बाद में आती हूँ। देखो मैंने अपने चेहरे को एकदम से वॉश कर लिया, बस हो गया एकदम से क्लीन। और अभी मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। बस हो गया लिपस्टिक लगाना। तो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग कमेंट करके बताना। टोटल फेशियल मैंने दिखा दिया आज आप लोगों को। तो ये था आज का इवनिंग का मेरा रूटीन, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम मिला तो इसीलिए फेस को मैंने आज एकदम से फेस पैक लगा के टेक केयर कर लिया, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने फेस पैक नहीं लगाया इसीलिए। तो अभी जाती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट कोई ब्लॉग में। और जो भी फ्रेंड्स मेरे इस चैनल में नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।